China's banking sector is facing a major crisis that may have significant impact on the global economy. In the past week, 48 Chinese banks have disappeared. जो कार कंपनियां हैं, आपने न्यूज सुना होगा, अगर नहीं सुना तो बता रहा हूं, बंद हो रही हैं, अपनी प्रोडक्शन को कम कर रही हैं, क्योंकि बैठा बैठ गया यहां पर। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे एक बड़ा बैंक था, अब उन्हें लगा इन सबकी हालत खराब हो रही है, डूबते जाएंगे, तो एक मैसिव कवर अप प्लान किया। मैसिव कवर अप में क्या किया कि जो बड़ा बैंक है, जैसे एक चाइना पोस्टल बैंक है, पोस्टल सेविंग्स बैंक है, एक चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक है, उसने अपने दो चार इन डूबते हुए बैंकों को अपने नीचे ले लिया। दूसरे देशों को कर्ज देकर उन पर मनमानी करने वाला चीन अब अपने ही जाल में फंसता दिख रहा है। बैंकों के बाहर आपने बंदूक लिए गार्ड को रखवाली करते देखा होगा, लेकिन चीन में ग्रामीण बैंकों के बाहर टैंक खड़े हैं जो बैंकों के उन्हीं के खाता धारकों से रक्षा करने के लिए तैनात किए गए। पूरी दुनिया में मीटिंग्स होती हुई दिखेंगी, देखी होंगी, कंपनीज की भी होती हैं और कॉर्पोरेट्स की होती हैं या कंट्रीज की होती हैं, लेकिन चाइना में ये सारा काम बड़ा ही डिफरेंट होता है। दुनिया में मीटिंग होती है एक दूसरे से मिलने के लिए, लेकिन चाइना में जो मीटिंग्स होती हैं वो थोड़ा सा अपना पावर दिखाने का भी एक तरीका होता है यहाँ के प्रेसिडेंट के लिए कि जी मैं कितना पावरफुल हूँ, सारे लोग मेरे सामने झुककर सलाम करते हैं। एंड जो चीजें आती हैं बाहर, दैट देयर आर इश्यूज विद इन द मिलिट्री विद रिगार्ड्स टू देयर फाइटिंग कैपेबिलिटी, करप्शन एंड और भी सारी जो चीजें हैं, ऊपर से शी जिनपिंग अपनी तलवार हटा के सारे 5-6 जनरल ऐसे उड़ाता है कि पता नहीं क्या। ये माना जाता है श्री सर कि चाइना में करीब 6,000 ये छोटे बड़े बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिलके थे, 6,000, उसमें से करीब करीब अब जो बचे हैं वो करीब 4,400 बचे, 1,600 ऑलरेडी विलुप्त हो चुके हैं ऑलरेडी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सुपर पावर बनने का सपना देखने वाला चीन, उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। खबर निकलकर सामने ये आई है कि चाइना के 40 बैंक अचानक से गायब हो गईं। ये खबर ऐसे वक्त पर सामने आई है जब चीन एक भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पिछले 2 साल से हर महीने खबर आ रही है कि चीन का कोई ना कोई बैंक डूबता जा रहा है, जिससे कि उस बैंक में जमा आम लोगों के पैसे भी डूब जाते हैं। इसीलिए चीन से पिक्चर निकल कर आती रहती है कि चीन के आम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ, क्योंकि बैंक में रखे उनके पैसे भी बैंक के साथ डूब गए हैं, जिसे चीन पूरी दुनिया से छुपाता आया है। इन्हीं सब को देखते हुए चीनी सरकार ने हाई रिस्क बैंकों को गायब कर दिया है। ये वो बैंक थे जिसे आज नहीं तो कल डूबना ही था, और इन बैंकों को बड़े बैंकों के साथ मर्ज्ड कर दिया ताकि चीनी सरकार को थोड़ा और समय मिल सके और दुनिया को दिखा सके कि चाइना का बैंक बिल्कुल सुरक्षित है, ताकि दुनिया भर से चाइना में इन्वेस्टमेंट आए। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। काफी महीनों से लोगों को कह रहे भाई चाइना के बैंकों की हालत खराब है, डूबने वाले। हम पहले चैनल थे जिन्होंने ये कहा कि इनकी क्रेडिट रेटिंग जो है नेगेटिव हो गई है, चाइना का और आउटलुक नेगेटिव हो गया है। जो चाइना के 10-12 बड़े बैंक है उसमें से 8 बैंकों के साथ ये परिस्थिति हो चुकी है, ये हमने बहुत पहले कहा था। पर लोगों ने, सुमित भाई आप कह रहे कुछ हो तो नहीं रहा, तो वही वाली बात हम कह रहे हैं भाई। आप देखे परिस्थिति ये है, चाइना ने क्या किया, वहां 3 तरह के बैंक, एक बड़े बैंक है, फिर एक प्रोविंशियल बैंक से स्टेट लेवल पे, फिर एक विलेज लेवल पे बैंक्स भी है। अब ये माना जाता है श्री सर कि चाइना में करीब 6,000 ये छोटे बड़े बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिलके थे, 6,000, उसमें से करीब करीब अब जो बचे हैं वो करीब 4,400 बचे, 1,600 ऑलरेडी विलुप्त हो चुके हैं, ऑलरेडी दे हैव गॉन, डूब गए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे एक बड़ा बैंक था, अब उन्हें लगा इन सबकी हालत खराब हो रही है, डूबते जाएंगे, तो एक मैसिव कवर अप प्लान किया। मैसिव कवर अप में क्या किया कि जो बड़ा बैंक है, जैसे एक चाइना पोस्टल बैंक है, पोस्टल सेविंग्स बैंक है, एक चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक है, उसने अपने 2-4 इन डूबते हुए बैंकों को अपने नीचे ले लिया, स्टेट लेवल के जो बैंक्स थे, और उन स्टेट बैंक्स ने 10-10 बैंक विलेज लेवल के अपने नीचे ले लिए। तो ये क्या हुआ कि एक बैंक के नीचे लगभग 30-40 बैंक आ गए। अब बड़े बैंक की बैलेंस शीट होती है स्ट्रांग, बड़े बैंक का ट्रांजेक्शन होता है स्ट्रांग, जब आप इनको मर्ज करोगे जो इनका फेलियर है वो दिखेगा ही नहीं, इनका फेलियर बड़ी बैलेंस शीट में अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो चाइना को ये डर लगा यार अगर हम इनको ऑब्जर्व नहीं कराएंगे तो ये जो बैंक्स है ये तो मतलब तितर बिल्ली की तरह उड़ते जा रहे हैं, तो घिरते जा रहे हैं, फॉलिंग लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स। तो इन्होंने ये प्रकरण चला था, जो खबर आई सोशल मीडिया पे जिसके बारे में कह रहे थे कि 40 बैंक एक साथ फेल हुए, तो उसकी वास्तविकता ये है इस बैंक के अंडर 40 बैंक थे, छोटे बड़े 40 बैंक इसके नीचे डाल ले गए थे। जब ये बैंक फेल हुआ
तो पूरे 40 के 40 बैंकों की श्रृंखला फेल हुई। अब इसमें अच्छी बात क्या है श्री सर, कि अब ये जो इन्होंने बैंक जोड़े हैं, तो अगर एक बड़ा बैंक फेल होगा तो साथ में कम से कम 40-50 छोटे मोटे बैंक लेके जाएगा। तो जब हम एक फेलियर की बात करें, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 40 और 50। तो दिस इज व्हाट अ वन फेलियर वुड लुक लाइक। आइडियली बैंक्स क्या करते थे, बैंक्स मेन पैसा देते थे गवर्नमेंट को। हमने समझाया था कि नोट छपता है, नोट छपता बैंक को देता, बैंक स्टेट गवर्नमेंट्स को देता, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, वो अपना डेट चुकाते, फिर वहां से नोट छपता, फिर बैंक में आता, फिर ये ऐसे राउंड रॉबिन कर रहा था। बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ युआन इन्होंने छाप दिए। और मैं तब भी कह रहा था कि भाई एक टाइम के आगे ये साइकिल नहीं चलेगा, दिस साइकिल विल कॉन्क ऑफ व्हेन दे क्रॉस एन एक्स अमाउंट ऑफ युआन। फिर हमने पी गुरुज के चैनल से अपने दर्शकों को हम याद दिला दे, हमने ये भी कहा था कि चाइना में बैंक्स का डिपॉजिट टारगेट तो मीट हो जाता है, लोन टारगेट नहीं है, कोई लोन लेने को तैयार नहीं। चाइना ने क्या किया, बैंकों की जो लोन की इंटरेस्ट रेट से उनको गिराना शुरू कर दिया। जब वहां बात नहीं बनी तो फिर उन्होंने, आपको याद होगा, वो अप्लाइंस ऑडिट किया था, तेरे घर में फ्रिज पुराना, तेरे घर में टीवी पुराना, इस सबको बदलो, सबको बदलो, यू हैव टू कंपल्सरली चेंज। तो इन्होंने कंज्यूमरिज्म इंसर्ट करने की कोशिश की, इन्होंने लोगों को कहा तुम्हारे पास बैक बोरो स्टील, गो एंड बाय हाउसेस, बाय कार्स, बाय न्यू अप्लायंसेस। तो एक थ्रस्टेड बाइंग डालने की कोशिश की लोगों पे, वो भी नहीं चली। अब जब ये सारे प्रकरण नहीं चले तो क्या हुआ, एक बैंक्स में देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ मार्जिनल इंटरेस्ट। मार्जिनल इंटरेस्ट है, मैं आपसे ले रहा हूं 5% पे, मैं डिपॉजिटर को 5% इंटरेस्ट दे रहा हूं, मैं आगे दे रहा हूं 8% पे, तो मेरा मार्जिनल इंटरेस्ट करीब 3% हो गया। बैंकिंग सिस्टम इस पे चलता है। पहले ये चाइना में करीब करीब 3.5 से 4% होता था, मतलब 3.7 था। गवर्नमेंट का डंडा पड़ा, इकोनॉमी स्लो हो रही, डिफ्लेशन हो रहा, तो ऐसा करो दर को घटाओ, तो बैंक में थोड़ा घटाया, थोड़ा घटाया, थोड़ा घटाया। अब बैंक्स की परिस्थिति यह है, उनका ऑपरेटिंग मार्जिन जो कहे या इन दो घरों के बीच का जो डिफरेंस है 0.7% है, मात्र 0.7%। इतने ज्यादा बैंकों के खर्चे, इतना ज्यादा हिसाब किताब, 0.7% में दुनिया में कोई बैंक नहीं चल सकती, इवन हमारी बैंक भी नहीं चल सकती, वी कैनॉट रन ऑन 0.7%। बैंक में 1,00,000 रुपए रखा, बैंक ने बोला मैं तुम्हें साल के एंड में 1,10,000 दूंगा। अब बैंक कहता भाई मेरे पास पैसे नहीं, तो बंदा क्या बोलेगा, बोलो माई बाप 1,10,000 मत दो, मेरा 1,00,000 रुपए तो वापस करो। बैंक की ये परिस्थिति, वो 1,00,000 रुपए भी वापस करने को नहीं है, तो तब तो हल्ला हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा। तो बैंकों ने कहा भाई हमसे अब नहीं होगा, मैंने कहा था आपको बैंक एक दिन चाइना में हाथ खड़े करेंगे, ये पहले बैंक ने हाथ खड़े कर लिए, और ऐसा कई सारे बैंक होंगे। जो शी जिनपिंग है वो अपनी आर्मी से डरने लगे हैं, और ये डर आज से नहीं है, जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं तब से उनको डर है कि मेरी आर्मी मेरा कहना नहीं मानती, करप्ट है, पैसे बनाने के लिए वो आर्मी को ज्वाइन करते हैं, भारत की आर्मी की तरह नहीं है। भारत में जो आर्मी में लोग ज्वाइन करते हैं वो इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि उन्होंने देश के लिए जान देने का वादा किया होता अपने पेरेंट्स के साथ, अपने आप से। लेकिन चाइना में उल्टा है, ये यहाँ पर पैसे कमाने आते हैं, एक एक बच्चा है, और उनको लगता है कि सेफ जॉब है, आराम से पैसे मिलते रहेंगे, घर भी मिल जाएगा आर्मी के अंदर। तो शी जिनपिंग को लगता है कि ये लोग तो सिर्फ करप्ट हैं, पैसे कमाने आए हैं, ये मेरी बात नहीं सुनेंगे, कभी भी मैं युद्ध की बात करूंगा, क्योंकि पेरेंट्स से बोला हुआ है कि बेटा तुझे मैंने आर्मी को ज्वाइन करवाने के लिए इसलिए भेजा था ताकि तुम पैसे कमाओ, इसलिए नहीं भेजा था कि तुम अपनी जान देश के लिए दे दो, देश गया भाड़ में। ये तो हालत है चाइनीज पेरेंट्स की। पूरी दुनिया में मीटिंग्स होती हुई दिखेंगी, देखी होंगी, कंपनीज की भी होती हैं और कॉर्पोरेट्स की होती हैं या कंट्रीज की होती हैं, लेकिन चाइना में ये सारा काम बड़ा ही डिफरेंट होता है। दुनिया में मीटिंग होती हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, लेकिन चाइना में जो मीटिंग्स होती हैं वो थोड़ा सा अपना पावर दिखाने का भी एक तरीका होता है यहाँ के प्रेसिडेंट के लिए कि जी मैं कितना पावरफुल हूँ, सारे लोग मेरे सामने झुककर सलाम करते हैं, जैसे कि एक राजा पुराने जमाने में होता था कि जब राजा आता था तो सभी खड़े होकर तालियां मारते थे, झुकते थे, सलाम करते थे, नारे लगाते थे। वही काम चाइना के अंदर होता है आज भी, और यहाँ पर जब शी जिनपिंग आते हैं इन्होंने तो पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। अपने साथ लॉयल्टी इनको इतनी प्यारी है कि मैं बता नहीं सकता। इसीलिए जो ये मीटिंग थी जो अभी हो रही है 15 से लेकर 18 तक, वो उसका मीटिंग 2023 में होनी थी, लेकिन उन्हें लगा कि मेरी अथॉरिटी थोड़ी सी कम है तो एक साल डिले कर दिया, कुछ लोगों को पकड़ के अंदर कर दिया, कईयों को टांग दिया, उसके बाद ये मीटिंग हो रही है। यानी कि उन्हें मालूम है कि सिचुएशन जो है पॉलिटिकल सर्कल्स में चाइना के अंदर वो बड़ी ही इंटेंस चल रही है।